दोस्तों अगर आप रिलायंस डिजिटल में जॉब करना चाहते हो तो बिहार में बहुत ही तगड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 11 और 12 जुलाई को इंटरव्यू है। बिहार में दो जगह इंटरव्यू चलने वाला है और दोनों जगह आप जाके इंटरव्यू देके अपना मनपसंद का जॉब पा सकते हो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर ना हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे जॉब रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बिहार में दो जगह अभी इंटरव्यू होने वाला है और दो जगह नए रिलायंस डिजिटल खुलने वाले हैं, मतलब कि 100 लोगों को जॉब मिलने वाला है। हर एक पोस्ट का, हर एक चीजों का, मैनेजर से लेके टीम लीडर से लेके सेल्स पर्सन से लेके कस्टमर सर्विस डेस्क से लेके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से लेके बहुत सारे पोस्ट हैं और सारे पोस्ट का मैं डिटेल बताऊंगा। कहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का क्या एड्रेस है, इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो मैं फिर से बोलूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे जॉब रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो यहां पे सबसे पहला जो इंटरव्यू होने वाला है वो होने वाला है बेगूसराय में, जो कि 11 और 12 जुलाई को होने वाला है। और यहाँ पे जो लोकेशन का जो एड्रेस है वो है जियो सेंटर बेगूसराय, और यहाँ पे मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, इस एड्रेस पे इंटरव्यू होगा। लेकिन पहले मत चले जाना, मैं सारा डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या लेके जाना है और कौन कौन से जॉब हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं पोस्ट के बारे में बात करूं तो पोस्ट में यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजर सेल का, सपोर्ट स्टाफ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, हेल्प डेस्क एसोसिएट, कॉमर्शियल, उसके बाद मटेरियल ऑफिसर, उसके बाद कस्टमर केयर सेंटर, उसके बाद इंजीनियर, टीम लीडर, आईटी, होम अप्लायंसेस, एंटरटेनमेंट, सेल्स एसोसिएट, बहुत सारे पोस्ट हैं और हर एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं वो आपके क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला चीज, आपका जो एज होना चाहिए वो 30 के अंदर होना चाहिए, 30 इयर्स के अंदर ही आपका एज होना चाहिए, 30 तक चलेगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या इंटरव्यू में लेके जाना है, रिज्यूम लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना, साथ में उसका प्रिंटआउट भी आपको लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, और उसके बाद आपका जो कोविड का जो सर्टिफिकेट है, जो कि कोवैक्सीन या फिर कोविडशील्ड जो भी आपने लगाया है, फुल्ली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और आपका किस बैंक अकाउंट में खाता है उसका बैंक का जो पासबुक होता है वो आपको लेके जाना है, उसका प्रिंटआउट भी लेके जाना है। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा एक है कटिहार में, कटिहार में भी आपको जो है सेम पोस्ट है, सेम सारी डिटेल आपको लेके जानी है, और कटिहार में जो लोकेशन एड्रेस है वो है रिलायंस जियो यूनिफॉर्म कटिहार, अनाथालय रोड, गमी टोला, कटिहार बिहार, पिन कोड है 854105। और यहाँ पे जो आपका जो जॉब के लिए अप्लाई हो रहा है, जो जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है वो हो रहा है रिलायंस डिजिटल स्टोर, जो कि कटिहार में नया रिलायंस डिजिटल स्टोर जो है खुलने वाला है। तो समझिए कि 100 लोगों के लिए यह जॉब पोस्ट है। अगर आप बिहार में रहते हो, बिहार में पटना में रहते हो, बाढ़ में रहते हो, फतुहा रहते हो, कटिहार रहते हो, बेगूसराय, भागलपुर, कहीं भी अगर आप बिहार में रहते हो, अगर आप रिलायंस डिजिटल में जॉब करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसमें आप जॉब इजीली पा सकते हो। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे जाना है इंटरव्यू में, आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंटरव्यू में आप जब भी जाओ आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, पूरा नीट एंड क्लीन होकर जाना है, बाल दाढ़ी वाड़ी सब कुछ जो है वो सेव करके जाना है। दाढ़ी बढ़ाकर जाओगे आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, आप चाहे कितने भी बड़े दाढ़ी के शौकीन क्यों ना हो, आप अगर क्लीन सेव नहीं जाते हो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब आप खुद डिसाइड कर लो आपको दाढ़ी रखना है या फिर आपको जॉब करना है। तो ये पहली बात मैं क्लियर कर बता देता हूँ। दूसरा, बड़े बड़े बाल और हाईलाइट करवा के जो एकदम लफुआ की तरह बाल रखते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सिंपल इस तरीके का बाल होना चाहिए क्योंकि आपको जॉब लेना है। जॉब के बाद आप कैसा भी बाल रखो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको जॉब लेना है, ठीक है। तीसरा, आप जो है फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे, मतलब कि फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट और उसके बाद जो फॉर्मल शूज होता है वो पहन के जाना। अगर फॉर्मल शूज नहीं है तो स्पोर्ट शूज भी चल सकता है, लेकिन फॉर्मल सूट है तो वो, लेकिन फॉर्मल अगर शूज है आपके पास तो वो काफी ज्यादा अच्छा आप पे इम्पैक्ट इंप्रेशन पड़ेगा। अब वहां पे आपको जाके क्या करना है, सबसे पहले वहां पे आपको जाना है। टाइम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। टाइम 11 बजे से 4 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा, तो लेट मत होना, जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका इंटरव्यू होगा और उतना ज्यादा सेलेक्टेड के चांस आपके ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग जाने वाले हैं और पोस्ट जो है 100 लोगों के लिए है। और यहाँ पे आपको जो है जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका जो है इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कैसे देना है वो मैं अब आपको बताता हूँ, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है ना। आप लोग सोच रहे कि चलो भैया इतना चीज तो बता दें, लेकिन हम लोग इंटरव्यू तो देने चले जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू को हम लोग क्रैक कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इंटरव्यू में एकदम पास आउट हो जाएंगे और हमें जॉब मिल जाएगा।
देखिए इंटरव्यू में सबसे पहला चीज होता है आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये आप हमेशा हर जगह, कोई भी आप रिटेल सेक्टर जाओ, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जाओ, आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो काफी ज्यादा एकदम मायने रखता है। अब आपका जो है आप रिज्यूम लेके गए, वहां पे स्टोर मैनेजर बैठेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करोगे कि आप कौन से पोस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपको जो है इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, सेल्स से लेकर पूछी जाएगी कि आपको सेल्स का नॉलेज है, आपने कहीं भी अगर जॉब किया है तो बताइए कहाँ पे जॉब किया। अगर आप फ्रेशर हो तो हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछे उनका सटीकता के साथ जवाब देना। ज्यादातर मैं 4-5 ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, सबसे पहला चीज आप अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसके बारे में आपको अपने बारे में बता देना। अगर आप हिंदी में बोलने में सक्षम हो तो हिंदी में बोल देना, इंग्लिश में बोलने में सक्षम हो तो इंग्लिश में आपको बोल देना है, अपने बारे में बता देना, क्वालिफिकेशन वगैरह बता देना है, घर पे कौन कौन है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तीसरा चीज आपसे पूछा है कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता लगा, तो आप बता देना कि मेरे दोस्त वगैरह बताए हैं या फिर मैंने कहीं ये एडवर्टाइज देखा था। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपसे पूछा जाएगा ना, आप कौन से जॉब के लिए एलिजिबल हो। अगर आप कैशियर में जाना चाहते हो, कॉमर्शियल में जाना चाहते हो, सेल्स में जाना चाहते हो, क्योंकि सबका सैलरी अलग अलग होगा, कैशियर में जाते हो तो उसका सैलरी अलग होगा, हेल्प डेस्क एसोसिएट में जाते हो उसका सैलरी अलग होगा, टीम लीडर में जाओगे उसका सैलरी अलग होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर में जाओगे उसका सैलरी अलग होगा, सबका सैलरी अलग अलग होता है। तो उस तरह से आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा। नॉर्मल 3-4 ही क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे, अपने बारे में बताइए, आप पहले कहाँ जॉब करते थे, नहीं करते थे तो फ्रेशर हो तो वो बताइए, आप क्यों जॉब करना चाहते हो, आपका घर वगैरह क्या है, आपकी फैमिली की कंडीशन क्या है, ये भी सारी पूछी जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा वो लोग आपसे टाइम ज्यादा लेंगे, बैठाएंगे भी, कि आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाता है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपके अंदर पेशेंस वगैरह है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जाएगी। अब वहाँ पे जैसे ही आप इंटरव्यू वगैरह दे देते हो, आपसे बोला जाएगा कि आप घर जाइए, आपका ये रिज्यूम रख लिया जाएगा और आपको फिर बाद में कॉल किया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। अब सेलेक्ट होने के बाद आपका ट्रेनिंग वगैरह चलेगा, ट्रेनिंग वगैरह चलने के बाद आपको जो है जॉब में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो रिलायंस डिजिटल में काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका आया है और अभी मैं कुछ दिन बाद मैं और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा कि रिलायंस डिजिटल में पोस्ट वाइज क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अगर अभी आप लोकल बिहार में हो और अगर आप नियरेस्ट कटिहार बेगूसराय में हो तो आप इंटरव्यू जाके दे सकते हो, भगवान करे आपका सलेक्शन हो जाए, और सलेक्शन ज़रूर होगा। और भी मेरी बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियो बना के रखी है कि कैसे आपको इंटरव्यू वगैरह देना है, तो आप मेरे इस चैनल के चेकलिस्ट में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फटाफट से जाइए, एड्रेस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो फटाफट से जाइए, जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, नहीं तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, रिज्यूम वगैरह सब कुछ लेके जाना है, ठीक है, एक भी चीज छोड़ना नहीं। और एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।